टीएट एंट्रेंस टेस्ट में टीचिंग पोटेंशियल का 30 मार्क्स का टेस्ट होता है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से एक मेजर पार्ट है क्लासरूम प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर एंड देयर सॉल्यूशंस, दूसरा एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, टीचर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एडजस्टमेंट, इन पर फोकस करते हुए डिसिप्लिन एक आस्पेक्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, स्कूल डिसिप्लिन, क्लासरूम डिसिप्लिन, उस पर ये वीडियो होगा। बेशक ये डिसिप्लिन पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन ये बाकी एरियाज को भी कवर करेंगे। दूसरा, ये क्वेश्चन बनाते हुए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 को पूरा स्टडी करके उसकी जो क्रक्स है उसके अकॉर्डिंगली आंसर जो आने चाहिए वो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। दैट इज वाई एक्सपेक्टेड ये हो सकता है कि नए पेपर सेटर ऐसे क्वेश्चन या इन आइडियाज को यूज करेंगे, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, आइडियाज यूज होंगे। आपको आइडिया समझ आ जाते हैं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन टीचिंग पोटेंशियल के सॉल्व कर सकते हो। तीसरा, इन क्वेश्चंस का बेस क्या रखा है, जो लर्निंग थ्योरीज हैं फंडामेंटल, जिसके बेस पर जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनमें बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जिनका माना जाता है, वो इन क्वेश्चंस के ये क्वेश्चन उनके अनुसार होंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरीज वो कौन है वो बेसिकली किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, यहां पर वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब थोड़े से आपके लिए जो जरूरी होंगे, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, एक बार मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी इस वीडियो में क्या रहेगी कि पहले मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी साथ में करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान शिक्षक होने के नाते आप स्कूल के अनुशासन बनाए रखने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे। इंग्लिश में आप रीड कर सकते हो, जब मैं सॉल्व करूंगा तो इंग्लिश में रीड कर दूंगा। ठीक, विकासात्मक दृष्टिकोण, साथ साथ में इधर में पढ़ सकते हैं, नियम आधारित दृष्टिकोण, अकादमिक उपलब्धि उन्मुख दृष्टिकोण, शिक्षक का व्यक्तित्व दृष्टिकोण, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, स्कूल में बेहतर अनुशासन के लिए नियम बनाए जाने चाहिए, किसके द्वारा बनाए जाने चाहिए, शिक्षक के द्वारा, छात्र के द्वारा, प्रबंधक के द्वारा, सरकार के द्वारा, आपको उत्तर देना है। बेहतर स्कूल अनुशासन को माना जाता है आचार संहिता, अपराधी शिक्षार्थियों को दंडित करने के नियम, अच्छे शिक्षक छात्र संबंध, शांतिपूर्वक वातावरण, इनमें से मैं कोशिश करूंगा आपको ऑर्डर भी बताऊंगा, बेस्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड और थर्ड रैंक कौन से। कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है, शिक्षण को, शिक्षक को, आचार संहिता के नियमों को सीखने को। कक्षा में अनुशासन आवश्यक है, कक्षा में अनुशासन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, नंबर एक, कक्षा में शोर को कम करने के लिए, अर्थ बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, अच्छे छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए, ज्ञान संचारित करने के लिए। सिक्स है, बेहतर स्कूल अनुशासन बनाया रखा जा सकता है, नंबर एक, कैसे, प्रभावी दंड प्रणाली से, अच्छे छात्रों को पुरस्कृत करके, शिक्षार्थियों की सगाई एंगेजमेंट करके, जानकार शिक्षक मतलब नॉलेजेबल मीन मास्टरी जिसकी है सब्जेक्ट पर, वो वाला शिक्षक जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, नॉलेजेबल टीचर। दो कक्षाएं हैं ए और बी, ए क्लास में शोर है जबकि क्लास बी में शोर नहीं है, आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है, कक्षा में एक शिक्षक समूह अंत क्रिया का उपयोग करता है एक कक्षा में, कक्षा ए में कोई कमजोर जहां कमजोर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया नहीं हो रही, क्या है, कक्षा ए में कोई जहां तो कमजोर जहां नहीं शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो रही, जहां कमजोर शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, इसका मतलब है। सी है, कक्षा बी में अच्छा शिक्षण हुआ है जहां पर शांति है, कक्षा ए में कोई अनुशासन नहीं है, आपको उत्तर देना है इस बात को ध्यान रखते हुए कि दो कक्षाएं हैं ए और बी, क्लास ए में शोर है जबकि क्लास बी में नहीं है। एट्थ क्वेश्चन है,
एक अनुशासित शिक्षक होने के नाते आप उस पर किस पर ध्यान दोगे? नंबर एक, कोई छात्र कक्षा में चालान नहीं करता, मतलब के वॉइस सॉरी इन वॉइस लिखा है, ये गलती हो गई है, ये है कोई छात्र कक्षा में शोर नहीं करता, यहाँ पर शोर कर लीजिए, यहाँ पर नॉइस कर लीजिए, कोई छात्र दूसरे छात्र से बात नहीं करता, कोई भी छात्र शामिल नहीं रहता, किताब के बिना कोई छात्र नहीं है। आप क्या चाहोगे इन चारों में से कौन सा हो? अगर आप डिसिप्लिन टीचर हो, आप सबसे ज्यादा फोकस किस पर करोगे? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर आपको वो समझ नहीं आया तो, कि नो स्टूडेंट मेक नॉइस इन द क्लास, नो स्टूडेंट टॉक विद अनदर स्टूडेंट, नो स्टूडेंट रिमेन अनइन्वॉल्वड, नो स्टूडेंट इज विदाउट। कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाने में शिक्षक का, कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाने में शिक्षक के लिए कौन सी समस्या है? इनमें से कौन सी समस्या है? नंबर एक, विभिन्न संस्कृतियों के शिक्षार्थी, विभिन्न भाषाओं के शिक्षार्थी, विकलांग विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? एक शिक्षक जो शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, एक शिक्षक जो कक्षा में वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, एक शिक्षक जो कक्षा में शरारती शिक्षार्थियों को नियंत्रित करता है, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से परीक्षा के लिए तैयार करता है। सबसे अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षार्थियों, ए ऑप्शन, शिक्षार्थियों को विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करता है, प्रतिबिंब प्रक्रिया को सुगम बनाना, यहां से पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं है, टीच बाय यूजिंग डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स, फैसिलिटेट रिफ्लेक्शन प्रोसेस है सेकंड, और थर्ड है विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके पढ़ाना, विषय वस्तु पर महारत होना। कौन सा अच्छा टीचर है, जिस इनमें से कौन सा गुण या प्रैक्टिस जो है टीचर जो फॉलो करेगा वो बेस्ट टीचर आप डिक्लेयर करते हो? इनमें से कौन सी अनुशासित कक्षा है जिसमें शिक्षार्थियों को शिक्षण का भय होता है, जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप में बात कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण कक्षा बेस्ट है, शिक्षार्थी शिक्षक का व्याख्यान सुनते हैं क्योंकि इसका मूल्यांकन अंत में किया जाएगा। इनमें से आपने चूज करनी है कौन से राइट ऑप्शन है। Now answer of these question, being head teacher, which approach you will follow? Approach कौन सी है you to use? Now in question के मैं answer भी दूंगा और explanation भी दूंगा थोड़ी सी। First question है, being head teacher, which approach you will use to maintain discipline in school? First है developmental approach, दूसरी है rule based approach, तीसरी है एकेडमिक अचीवमेंट बेस्ड अप्रोच, तीसरी है टीचर्स पर्सनालिटी बेस्ड अप्रोच। अब इनमें से आप बेस्ट आंसर कौन सा निकालते हो? अगर आप नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पर जाते हैं, जहां फंडामेंटल थ्योरीज पर जाते हैं, मॉरल डेवलपमेंट की कोलबर्ग की थ्योरी पर जाते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में जाते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में जाते हैं, यही डोमिनेशन करेगी नेक्स्ट पॉलिसी में, एडवांस कंट्री में और नेशनल पॉलिसी 2020 में, तो डेवलपमेंटल डिसिप्लिन इज द बेस्ट अप्रोच। पंजाब यूनिवर्सिटी पर चंडीगढ़ ने इस अप्रोच को बीएड में लगवाया भी था, मुझे नहीं पता अभी है कि नहीं है। हमारे अब क्या चल रही है स्कूल में, रूल बेस्ड अप्रोच, रूल बनाए जाते हैं अप्लाई किए जाते हैं, डेवलपमेंटल अप्रोच में रूल इंपोज नहीं किए जाते रूल बच्चों के द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा, एकेडमिक अचीवमेंट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है कि आपके स्कोर ज्यादा आने चाहिए, जितना आप लर्न करके स्कोर ले रहे हो आपको उतना बेटर समझा जाता है, दूसरे बच्चे को अनडिसिप्लिन समझा जाता है, ये भी गलत है। टीचर्स पर्सनैलिटी अप्रोच, एक अच्छी पर्सनैलिटी बीएड में पढ़ाया भी जाता है कि अपने पर्सनैलिटी का ही प्रभाव डाल लेता है, बच्चे उसको अटेंड करते हैं, लेकिन ये अच्छी अप्रोच है लेकिन अल्टीमेट अप्रोच नहीं है। अल्टीमेट अप्रोच है जिसमें बच्चे खुद रूल बनाते हैं। याद रखना, जब रूल आप पर इम्पोज किए जाते हैं, आपके मदर और फादर इम्पोज करते हैं, तो आपको उन पर भी गुस्सा आता है। ऐसे ही स्कूल में होता है, जब आप खुद रूल बनाते हो, आपने जिंदगी अब तक कई रूल बना चुके हो और उनको दिल से फॉलो करते हो, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ
एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंटल अप्रोच में आप खुद रूल बनाते हो कि कौन सा रूल बेटर है जिससे हम एम अचीव कर सकते हैं, और नेचुरली है कि वो फॉलो करोगे। दूसरे सिस्टम में, रूल बेस्ड अप्रोच सिस्टम में, आप रूल को फॉलो नहीं करोगे, अगर करोगे एक्सटर्नली करोगे, पनिशमेंट के डर से करोगे, रिवार्ड को मिलने की इच्छा से करोगे, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर है। लेकिन डेवलपमेंटल अप्रोच में जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्यों, कंस्ट्रक्टर भी आप हो, कंज्यूमर भी आप हो, रूल बनाने वाले भी आप हो, फॉलो करने वाले भी आप। सेकंड है, फॉर बेटर डिसिप्लिन इन स्कूल रूल्स शुड बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट को क्लासरूम का कितना पता होगा, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था हमारे आरटीई एक्ट में, बना था कि नो डिटेंशन पॉलिसी, तो कई स्टेट्स ने इस पॉलिसी के लिए दिया कि बच्चे को, हाँ फेल नहीं करना ना, तो बच्चे को फेल नहीं करने के रिपरकशंस हमने देखे, तो फिर कई स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन भेजी कि हमें अलाउ किया जाए हम अपनी क्लास में बच्चे को फिरने की पॉलिसी बना सके। तो ये अब जो है चेंज हो चुका है, ये अब सेंटर पर नहीं, ये स्टेट पर निर्भर है, वो पॉलिसी बना सकती है कि फेल करना है या नहीं करना है। ठीक, तो गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। अच्छा, मैनेजमेंट करेगी, हमारे प्राइवेट स्कूल में मैनेजमेंट डोमिनेट करती है जो डिसिप्लिन के रूल बनाने हैं, तो यहां पर बचता है टीचर। लेकिन न्यू अप्रोच क्या है, जो रूल को बनाए यही क्रिएट करे, यही अप्लाई करे, यही फॉलो करे। जो पीछे बात करते हैं उसी में से ये क्वेश्चन निकलता है। बेटर स्कूल डिसिप्लिन इज रिगार्डेड एज कोड ऑफ कंडक्ट, जनरली डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट की तरह। रूल्स टू पनिश द डेलिक्वेंट लर्नर्स, अगर डेलिक्वेंट टर्म नहीं समझ आती आप हिंदी में जाके देखिए, अपराधी शिक्षार्थी। ओके, डेलिक्वेंट कहते हैं जो 18 साल से बालग नहीं हुए, बालक हैं। ओके, एडोलसेंट है, एडोलसेंट है 18 साल से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डेलिक्वेंट टर्म इज रिलेटेड विद 18 साल से बच्चे, जिनको किशोर बोलते हैं, एडोलसेंट बोलते हैं, उन्होंने अगर कोई अपराध किया है। ठीक है, स्कूल में कई बार अपराध पकड़े नहीं जाते, जैसे सिगरेट पीते हैं, इफ टीजिंग करते हैं, स्कूल से भाग के कुछ चोरी कर लेते हैं, कुछ ऐसा है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो वो कई बार तो किलिंग भी, मर्डर भी कर देते हैं, इनकी अलग से जेल होती है डेलिक्वेंट बच्चों की। गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, पीसफुल एनवायरनमेंट, जनरली हमारे स्कूल्स में अगर पीसफुल एनवायरनमेंट है तो हम कहते हैं कितना अच्छा डिसिप्लिन है। लेकिन एडवांस्ड जो एजुकेशनल टीचिंग लर्निंग थ्योरीज हैं और एडवांस एजुकेशन सिस्टम है, वो सिर्फ पीस नहीं चाहता, वो एक्टिविटी चाहता है। एक्टिविटी में, एक्टिविटी कौन सी, पर्पजफुल एक्टिविटी, पर्पजफुल एक्टिविटी। तो इसमें बेस्ट आंसर कौन सा होगा, रूल टू पनिश, जब पनिशमेंट आता है, नेगेटिविटी आती है, आप नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उसके लिए बना रहे हो, तो आप लास्ट ऑप्शन इसकी रखिए, फोर्थ ऑप्शन ये है। बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है, अच्छा सेकंड आपने रखनी है, फर्स्ट नहीं, सेकंड आपकी ये हो सकती है कि पीसफुल है जी एनवायरमेंट। अच्छा, थर्ड आप रख सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट है लेकिन लागू हुए कि नहीं हुए ये नहीं ना पता। तो बेस्ट क्या है, गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो डिसिप्लिन अब खुद ब खुद बन जाएगा। इनमें से बेस्ट ऑप्शन ये है, रैंक वन पर ये हो गया, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन इज टू प्रमोट, किसको करना है, टीचिंग को, टीचर को, रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को, लर्निंग को। फर्स्ट रैंक इज लर्निंग, अगर कोई भी आंसर लर्निंग पर ज्यादा फोकस करता है तो सभी थ्योरीज इसको सपोर्ट करती हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको सपोर्ट करती है। दूसरा हो सकता है, क्योंकि लर्निंग का एक कारण जो है ना, वन ऑफ द कॉज ऑफ लर्निंग इज टीचिंग हो सकता है, इसलिए सेकंड रैंक पर ये रख सकते हो आप। ओके, रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इनको दोनों को इक्वल रख सकते हो, टीचर ने टीचिंग करनी है तो तीसरा इसको कर लो, और चौथा आप इसको कर लो, ये दोनों इक्वल भी। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासरूम डिसिप्लिन इज एसेंशियल टू रिड्यूस द नॉइस इन क्लासरूम, टू प्रमोट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, टू रिवार्ड द गुड स्टूडेंट, टू ट्रांसमिट द नॉलेज। इसमें से सबसे घटिया जो है
पुअर डिस्ट्रक्टर है जो है, जिसको आप इजीली डिलीट कर सकते हो, उसको पुअर डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। डिस्ट्रक्टर वो होता है रॉन्ग आंसर, वो है टू रिड्यूस द नॉइज, आपका इस पर जोर लगा है। हालांकि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में या स्कूल्स में है इसी पर सारा जोर लगा हुआ है कि प्रिंसिपल को नो नॉइज चाहिए। ओके, ये इसका मतलब है। फोर्थ रैंक पर इसको रख सकते हैं आप। अब ये ट्रांसमिट नॉलेज को आप थर्ड रैंक पर रख सकते हो, क्योंकि नॉलेज ट्रांसमिट करनी एक पर्पस है, लेकिन सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिट करनी दूसरा, फिर नॉलेज ट्रांसमिट करने के कंस्ट्रक्ट करनी, कंस्ट्रक्ट करनी, ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है। तीसरा आप इसको रख सकते हो टू रिमूव रिवार्ड गुड स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चों को रिकॉग्नाइज करना, क्यों मॉडलिंग थ्योरी कह रही है, एक बच्चे को रिकॉग्नाइज करती है, बाकी भी सोचते हैं यार मैं भी ऐसा करूं और अच्छा करूं, मॉडलिंग थ्योरी यहां पर फेवर कर रही है। लेकिन द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम और नेशनल पॉलिसी ऑफ 2020 टू प्रमोट मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, ये कहीं भी शब्द आता है ना मीनिंग मेकिंग, इसको झपट पढ़ो, ये फर्स्ट बेस्ट आंसर है। तो इसमें कौन सा हो गया, ये आंसर इसका बेस्ट है। बेटर स्कूल डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड बाय इफेक्टिव पनिशमेंट सिस्टम, पनिशमेंट सिस्टम भी इफेक्टिव होना चाहिए। एक तो पनिशमेंट होती है, एक इफेक्टिव पनिशमेंट होती है। तो पनिशमेंट पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता हूं मैं कि पनिशमेंट कैसे देनी है, जब पनिशमेंट जहां पर अच्छी है लेकिन वो बड़े ध्यान से है साइकोलॉजिकल रोल को अप्लाई करके है, लेकिन यहां पर आपको नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, तो यहां पर पनिशमेंट इफेक्टिव पॉजिटिव शब्द है लेकिन पनिशमेंट नेगेटिव हो गया। थ्योरीज इसको प्रमोट नहीं करी पनिशमेंट को, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इवन रिवार्ड को भी पीछे रख रही है एडवांस थ्योरी। ओके, यहां पर पनिशमेंट हो गया तो यहां पर रिवार्ड हो गया। हाँ, ये जरूर है कि इसको मिनिमम यूज करना है, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप एंट्रेंस टेस्ट में इसको मैक्सिमम डिलीट करना है, परे रखना है, फोर्थ ऑप्शन पर इसको रखो, ठीक। और रिवार्ड को यहां पर आप रखो दूसरे ही दूसरे स्थान पर रख सकते हो। इसके लगभग इक्वल है नॉलेजेबल टीचर, नॉलेजेबल टीचर जिसके पास बहुत नॉलेज है, पर लेकिन वो उस नॉलेज को ट्रांसमिट करने जहां उसको लर्नर की लर्निंग के लिए फैसिलिटेट करने के लिए कितना यूज करता है, ये इस क्वेश्चन में दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है, हम चाहते क्या है, इसको हम तीसरा मान लेते हैं, और ये फर्स्ट हुआ एंगेजमेंट ऑफ लर्नर, जब लर्नर इन्वॉल्व हो गया। इसके लिए दो तीन शब्द मैं आपको दे देता हूं, एंगेजमेंट, मोटिवेशन, रेडीनेस, अगर ये तीन वर्ड कहीं भी आते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंडिकेट ये करते हैं, और एंगेजमेंट वर्ड यूज भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट के द्वारा किया जाता है। दैट इज माय फर्स्ट आंसर इज एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। आपने न्यूटन की स्टोरी शायद सुनी होगी, न्यूटन को उसके पेरेंट हैं, उन्होंने स्कूल से हटा लिया था और उनको काम करने के लिए अपने मामा जी के पास भेज दिया था, वो जो खेतों में काम करते थे, और न्यूटन को भी वहां पर काम करने के लिए लगा दिया। तो उसके मामा जी ने एक दिन नोट किया कि न्यूटन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है पेपर पेंसिल के साथ और धूप बहुत है, और वो देखा कि 10 मिनट हो गए धूप में खड़ा है, 20 मिनट हो गए देखा धूप में खड़ा है सॉल्व कर रहा है, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। जब उन्होंने देखा कि यार ऐसा क्या है, ये क्या स्टडी कर रहा है, क्या रीड कर रहा है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसे बातचीत की कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, कहता आपको पता नहीं इतनी धूप है आप बीमार हो जाओगे, कहता मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये सॉल्व करना है। दिस इज द रियल एंड ऑथेंटिक एंगेजमेंट। हमारा अगर स्कूल सिस्टम ऐसे लर्नर को एंगेज कर दे कि वहां टीचर भी नहीं है या वहां क्लासरूम भी नहीं है और वहां कोई टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए वो परवाह नहीं कर रहा जो इर्द गिर्द का एनवायरमेंट है, डिस्ट्रक्टर कोई बन ही नहीं रहा, गोल ओरिएंटेड बन गया है, पूरा फोकस है उस पर लर्नर और लर्नर का लर्निंग पर। तो दिस इज द बेस्ट आंसर, दैट इज व्हाई जैसे न्यूटन वहां पर इतना एंगेज हो गया था। अच्छा, उनकी आपने सुनी होंगी स्टोरी, शायद आइंस्टाइन की है, न्यूटन की है, मुझे नहीं पता, वो क्लासरूम में जो भी पढ़ा रहे हैं लेकिन वो साइंस में
साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंगेज्ड हैं उसी क्लासरूम में, तो लेकिन उस वक्त का सिस्टम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सका और उसको अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट नहीं दे सका, लेकिन अब का एजुकेशन सिस्टम ये स्टडी कर चुका है और आप अच्छे टीचर बन सकते हो अगर आप ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, सेकेंड एप्टीट्यूड है, थर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस में कौन सी इंटेलिजेंस डोमिनेट करती है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय जनरल लेवल का क्वेश्चन है, गार्डनर की थ्योरी है, बीएड में आप पढ़ोगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू क्लासरूम ए एंड बी, ए क्लासरूम में नॉइस ज्यादा है ठीक है, वेयर एज क्लासरूम बी में नो नॉइस है, शांति है पूरी। आपको क्या लगता है इन तीनों में से क्या हो सकता है, ए क्लासरूम में बहुत शोर है, आपको क्या लगता है इन क्लास ए टीचर यूज ग्रुप इंटरेक्शन, आपको अगर ये लगता है आप इसको टिक लगाइए, इन क्लास ए देयर इज नो और वीक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जहां तो टीचिंग लर्निंग नहीं होती, बच्चे चुप करके बैठे हैं, जब हो रही है तो बहुत पुअर है। दूसरा आपको ये लगता है इन क्लास बी गुड टीचिंग इज अकरिंग, अच्छी टीचिंग चल रही है क्योंकि शांति है बिल्कुल, अपना अपना पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है। अच्छा इन क्लास ए देयर इज नो डिसिप्लिन, किशोर बहुत है उसमें डिसिप्लिन है, चूज कीजिए इसमें से क्या चूज करोगे। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फंडामेंटल थ्योरीज बेसिक थ्योरीज पर जाते हो तो द बेस्ट आंसर इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बेस पर बेस्ट आंसर बनता है, वाइगोस्की की थ्योरी पर, जॉन डेवी की थ्योरी पर, जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मीन बच्चे आपस में मीनिंगफुल बातें करने के लिए अलाउ किए जाए, अलाउ ही नहीं किए जाए, उनको ऐसा एनवायरमेंट दिया जाए, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाए कि वो जो भी टास्क उन्होंने करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैथ्स का सम करना है, कोई पैरा इंग्लिश का रीड करना है, पंजाबी का, हिंदी का रीड करना है, तो वो आपस में दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे आपस में बात कर सके, दिस इज वेरी मीनिंगफुल। अगर आप इसको राइट आंसर लगाते हो तो आपके मन में प्रोजेक्ट में अनकॉन्शियस माइंड में ये है कि यार ये हो सकता है कि इंटरैक्शन जो है इससे बच्चे पढ़ रहे हो, दैट इज वाई नॉइस है। अगर आप ये देखते हो कि नॉइस है यहां पर पक्का डिसिप्लिन नहीं है, इट मींस आप अच्छे एजुकेशन सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के काबिल नहीं हो। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन 10 भी पूछे जाए तो बेस्ट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन पेपर सेटर अभी वहां तक शायद ना पहुंच सके हो, मुझे नहीं पता। इन क्लासरूम गुड टीचिंग अकरिंग, नॉर्मली यही प्रिंसिपल का टीचर कहते हैं, यहां पर साइलेंस है, बच्चे कॉपी को देख रहे हैं, लाइब्रेरी में है, देख रहे हैं, अपनी बुक को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो द बेस्ट आंसर इज ग्रुप लर्निंग, दिस इज द बेस्ट आंसर रैंक वन। सेकेंड रैंक निकालना है तो आप निकाल सकते हो क्लास बी में, सारे ही पुअर हैं वैसे तो, सेकंड में इसको निकाल सकते हैं अगर आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, ये दोनों ही इक्वल जा रहे हैं, लेकिन इसका बेस्ट आंसर साफ साफ स्पष्ट यही है, ग्रुप बेस्ड लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एट क्वेश्चन है, बीइंग ए डिसिप्लिन टीचर यू विल फोकस ऑन दैट नो स्टूडेंट मेक ए नॉइस इन क्लासरूम, आपको पिछले से समझ आ गया होगा, नो स्टूडेंट टॉक विद अनदर स्टूडेंट, नो स्टूडेंट रिमेन अनइन्वॉल्वड, नो स्टूडेंट इज विदाउट बुक। आप बेस्ट आंसर किसे निकालते हो, मैं बेस्ट आंसर निकाल रहा हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, आपको गलत साबित करने के लिए कुछ तो प्रेजेंट करना, लॉजिक प्रेजेंट करना होगा। नो स्टूडेंट मेक ए नॉइस इन, तो नॉइस का ना होना लर्निंग के होने को साबित नहीं करता, दैट इज वाई ये न्यूट्रल क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर रहे हैं, रॉन्ग। नो स्टूडेंट टॉक विद वन अनदर, कोई एक दूसरे से बात ना करे, ये भी पूरा हो गया, पीछे बात करके आए हैं, ग्रुप डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। नो स्टूडेंट रिमेन अनइन्वॉल्वड, मतलब के सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व हो, एंगेजमेंट की बात करके हैं, बेस्ट आंसर फर्स्ट इसका रैंक बनता है। नो स्टूडेंट इज विदाउट बुक, विदाउट बुक के साथ चल सकता है लेकिन विदाउट मोटिवेशन के साथ नहीं चल सकता। मोटिवेशन इज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ लर्निंग, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ रेडिनेस थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक, जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर भी कहते हैं, जो क्लासरूम में फर्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने अप्लाई करने के लिए कहा था वो लॉ ऑफ रेडिनेस था। आप बीएड में पढ़ोगे तो इसका रैंक वन ये है, और दूसरा हम निकाल सकते हैं टाक नहीं कर रहे, शोर कर रहे हैं, दूसरा इक्वली चल रहे हैं, ये भी कर सकते हैं दूसरा, ओके
ये है नो स्टूडेंट टाक नहीं कर रहे, ये भी दूसरे बन रहा है, चलो तीसरा इसको कर लो, और नो स्टूडेंट इन द बुक के बिना है तो ये कोई आफत नहीं आ गई, वो अरेंज किया जा सकता है। तो फोर्थ आंसर फोर्थ रैंक पर है हमारा, राइट आंसर बेस्ट आंसर ये। नेक्स्ट नाइन्थ, विच इज द प्रॉब्लम फॉर टीचर टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम डिसिप्लिन, लर्नर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, लर्नर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, लर्नर फ्रॉम विद डिसएबिलिटीज, नन ऑफ दीज। एक्चुअल में टीचर जो कह रहा है वो उनको प्रॉब्लम कह रहा है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने टू वर्ड्स बता रहा हूं आपको, मल्टी कल्चरलिज्म इन क्लास या मल्टी कल्चरल क्लासरूम, एक शब्द मल्टी लिंग्विस्टिक क्लासरूम जिसमें विभिन्न भाषाओं के बच्चे हैं उनको एज ए रिसोर्स यूज करना है। तो दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम नहीं है, कहीं में बेस्ट आंसर भी निकलेगा, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग विद डिसेबिलिटी जो एक्ट है 2016 है उसमें कितनी 21 डिसेबिलिटीज शामिल कर ली गई है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले निकल 7 डिसेबिलिटीज थी, ये हो गई है, और इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, इंक्लूसिव स्कूल का कंसेप्ट है, इंक्लूसिव क्लासरूम का कंसेप्ट है, तो वो तो इनको शामिल करने के लिए कह रहा है ना। So that is why none of these is the right answer. 10th है, who is the best teacher? A teacher who is focusing on teaching. जो private school है या good school आज मानते हैं वो कहेंगे, या जो अच्छा teach करता है। A teacher who help learner to set realistic goal in the classroom, है ना? तो एक ये है टीचिंग पढ़ा रहा पढ़ा रहा पढ़ा रहा, दूसरा एक बच्चा अपना गोल सेट करना चाहता है कि मैं इतने दिनों में इतना और ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा, ये लर्न करूंगा, ये कंप्लीट करूंगा, इस सब्जेक्ट का इतना करूंगा वगैरह वगैरह कुछ भी, वो रियलिस्टिक गोल सेट करने में उनकी हेल्प कर रहा है। ओके, टीचर हूज कंट्रोल मिसचीवियस, शरारती बच्चों को जो कंट्रोल कर सकता है वो, यहां पर इसको सबसे पहले डिलीट करेंगे। ए टीचर हु प्रिपेयर फॉर एग्जाम, ये वाली बात है, तो ये वाली ये आ गया रैंक 4 पर, और प्रिपेयर एग्जाम फॉर 3 आ गया। ओके, तो ये आ गया फॉर टीचिंग पर फोकस करते हैं, सेकंड रैंक आ गया, और फर्स्ट रैंक इज रियलिस्टिक गोल, ऑथेंटिक गोल, ये ऑथेंटिक लर्निंग की बात बात लेटेस्ट थ्योरीज बात करेंगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसकी इशारे भी है। नेक्स्ट है, द बेस्ट टीचर इज हु, नंबर 1, प्रोवाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये क्वेश्चन कहां से आया ये भी बताता हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस सेंटर्ड एजुकेशन की बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मिलेगी, लेकिन उससे भी आगे चल रहा हूं, ये भी 2020 में है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना कि एक्सपीरियंस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, डूइंग पर ज्यादा जोर दिया जाए, लर्निंग को बाय डूइंग पर, इसीलिए आपका बेस्ट आंसर वो होता है। तो एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस ये माना जाता है। फैसिलिटेट रिफ्लेक्शन, ये भी चाहिए। अच्छा, टीच बाय यूजिंग डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड, ये भी चाहिए। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर, इसमें से अब फोर्थ है जो वो क्या कह सकते हैं कि ये फोर्थ इसको रख लेते हैं, इसके ही इक्वल ये बन रहा है, डिफरेंट ऑडियो विजुअल वर्ड, जैसे ये मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर बोर ही कर रहा हूं, दूसरी बात है कि मैं ट्रांसमिट ऑफ नॉलेज कर रहा हूं जो आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं। ये जो सिस्टम यूट्यूब का सिस्टम है वो वेरी सैड के ट्रांसमिशन ऑफ लर्निंग है, मुझे भी लगभग वही करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास सीधे लर्नर नहीं है। इसको बोलते हैं जब मैं और स्टूडेंट जो है इकट्ठे एक वक्त पर इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एसिंक्रोनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सिंक्रोनाइज होता है जब आप साथ साथ में ही बात कर रहे हो, वो क्लासरूम में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ये फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, और ये सेकंड है एक्सपीरियंसेस, क्या बात है, तो इसको फर्स्ट क्यों निकाला भाई, दिस इज द बेस्ट आंसर, बिकॉज जॉन डीवी ने ये कहा था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक कॉब का मॉडल है, कॉब का लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉडल है। तो वो कहता है एक्सपीरियंस आपने कर लिया, लेकिन एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट अगर नहीं किया, रिफ्लेक्शन मीन थिंक ओवर नहीं किया, थिंक ओवर वैसे नहीं करना, वो थिंकिंग ओवर एक सिस्टमैटिक है, इन डेप्थ थिंकिंग है, वो टीचर फैसिलिटेट करेगा, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, तो वो दैट इज व्हाई रिफ्लेक्शन के बिना, एक टीचर है उसने 10 साल पढ़ाया, कहता मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, और दूसरा टीचर है उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसने अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट किया, और इसने अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसने 10 साल बिताए हैं सिर्फ, तो बेटर किसका हुआ,
तो हम तो सर्टिफिकेट देखते हैं, हमारा सिस्टम वेटेज नहीं कर, 10 साल का एक्सपीरियंस है जी, इसको ज्यादा आगे रखा जाएगा, इसका 5 है इसको पीछे रखा जाएगा। रिफ्लेक्शन तो देख ही नहीं सकते, जिस सिस्टम में रिफ्लेक्शन को आप देख ही नहीं सकते। विच इज ए डिसिप्लिन क्लासरूम इन विच लर्नर हैव फियर ऑफ टीचर, कि यार टीचर है पढ़ लो। इन विच लर्नर कैन टॉक फ्रीली विद ईच अदर स्टूडेंट, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। पीसफुल क्लासरूम, ये भी स्पष्ट हो गई होगी। लर्नर लिसन द लेक्चर ऑफ टीचर बिकॉज इट विल बी एवेल्युएटेड एट द एंड, ये सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं, कॉग्निटिविज्म का अगर सेंट्रल आइडिया देखना है तो लिसनिंग और अटेंशन, अटेंशन का एक एस्पेक्ट है लिसनिंग, तो ये उसके हिसाब से वो अगर कॉग्निटिविज्म का होता तो ये बेस्ट आंसर बनना। लेकिन अच्छा, इन विच द लर्नर है फियर ऑफ टीचर, ये फियर वाली को सबसे पहले डिलीट करना है, फोर्थ रैंक पर हमने रखा है। इन विच द लर्नर के टांक फ्री बीच, यस दिस इज द बेस्ट, बात कर सकते हैं। इट मीन्स टीचर ने फैसिलिटेट एक फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाया हुआ है। तीसरा है लिसन, क्योंकि इवेल्युएट किया जाएगा, इसको तीसरा रख लेते हैं। चौथा पीसफुल एनवायरमेंट को देखिए, पीस जो थी वो लास्ट में चली गई है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर मीनिंगफुल डिस्कशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम चाहिए, आप मेरे सामने चाहिए। आप, मैं जब ये बोल रहा हूं आप पता नहीं कहां है, जब आप कमेंट करोगे फिर मैं पता नहीं कहां होता हूं। ये एसिंक्रोनाइज्ड सिस्टम है, दैट इज व्हाई फेस टू फेस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सभी थ्योरीज मान चुकी हैं, तो इसके इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये आइडियाज रिपीट होंगे। तो ये सीटेट या पीटेट या जो भी आप टीईटी एग्जाम या एजुकेशन के साथ रिलेटेड देना चाहते हैं उसमें ये आइडिया पक्का रिपीट होंगे। तो आप इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।